ब्रांड्स अपनी लोकप्रियता खोते जा रहे हैं। सर, क्या इनके कुछ फायदे भी होते हैं? जैसे कि आपने बताया था हमें चावल और गेहूं से कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। बताता हूँ। मिलेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम इत्यादि से भरपूर है। और इतना ही नहीं, इन्हें उगाना बाकी अनाजों से उगाना कई ज्यादा आसान भी है। और कैसे फायदे होते हैं? मिलेट्स को एक साल में कई दफा उगाया जा सकता है और ये कम पानी और कम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। सर, वो सब तो ठीक है, पर क्या हम इससे कुछ टेस्टी भी बना सकते हैं? स्वादिष्ट बना सकते हैं। किस यहाँ किस किस को डोसा और इडली पसंद है? मुझे। तुम्हारा फेवरेट डोसा और इडली रागी से भी बन सकता है। और इतना ही नहीं, कई मिशलिन स्टार यानी कि विख्यात रेस्टोरेंट अपने खाने में मिलेट्स का भरपूर प्रयोग करते हैं। सर, पर मुझे तो पिज्जा पसंद है। पर सर, मुझे तो पास्ता। पर क्या हम इससे ब्राउनीज भी बना सकते हैं? हाँ बच्चों, ये सब चीजें बनाई जा सकती है। बच्चों, तुम्हें पता है तुम्हारे संस्थान ने भी मिलेट्स को अपने खाद्य पदार्थों में अपनाया है और भारत सरकार ने मिलेट्स को प्रोत्साहन देने के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन को 2018 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया और यह प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस ऑफ जनरल असेंबली में प्रस्तुत किया गया था। यूनाइटेड नेशंस ऑफ जनरल असेंबली ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है। तो बच्चों, आज मैं तुम्हें मिलेट से मिलवाता हूँ। मैं हूँ कर्नाटका से रागी। मुझे चाहते हो तो खाओ रोटी या छीला जरा। करता हूँ ग्लूकोज लेवल कंट्रोल और प्रोटीन फाइबर और न्यूट्रिएंट्स से भरा। न्यूट्रिएंट्स से भरा। कैल्शियम से हूँ भरा। मेरा नाम है रामदाना। इम्यूनिटी भी बढ़ाऊं तो खाने से ना करो मना। खाने करो मना, ना करो मना। तमिलनाडु से